तो वो दिन आ जाता है जिस दिन नानी और बुआ को अलविदा कहने का टाइम आ जाता है एंड सच बताऊँ मैं सिर्फ यहाँ से दो हफ्ते से सिर्फ ज़्यादा रहा आई थिंक पंद्रह दिन या सोलह दिन एंड मेरे को इतनी गहरी अटैचमेंट हो गई था ना लाइक like, ऐसा लग रहा था कि मैं सालों सालों से यहीं पे हूँ कोई ना हम साढ़े पाँच बजे फिर निकले वहाँ पे प्रणाम वगैरह करके एंड तुम लोगों को याद होगा कि मैंने मेरे ब्लॉग में एक पपी को बहुत ज़्यादा दिखाता था लाइक like, बहुत ही क्यूट था वो तो वो ये वाला पप्पी है एंड पता नहीं ये पता है मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा तो पीछा नहीं करता लेकिन उस दिन पता नहीं उसको क्या लगा वो लिटरली दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आया था और काफ़ी दूर तक आया था लिटरली मतलब मुझे थोड़ा ये नॉस्टल जिया लगा बट वो काफ़ी जेनली बताओ तो क्यूट था एंड अगर तुम लोगों को याद होगा वो वाले ब्लॉग में मैंने जमिन के लिए इसी मंदिर पे आके यू नो पूजा दिया था मतलब इस मंदिर में मुझे काफ़ी दिन से आना था बट एनी उसके बाद फिर हम और बुआ निकल रहे थे सामने से और यहाँ पे काफ़ी ज्यादा फ़ोक जमे हुए थे लाइक like, इतना फ़ोक जमा हुआ था क्या ही बोलूँ एंड उसके बाद मुझे ये एक दोस्त मिला यहाँ पे एंड ये इतना 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 क्यूट था ना भाई क्या ही बोलूँ मतलब खेल रहा था इतना प्यार से क्या ही बोलूँ इसको मतलब गुदगुदी चाहिए था तो ये उल्ट, उल्टा हो गया है ना खुद से ऐसे और ये आई थिंक किसी का पालतू होगा बिकॉज इसके गर्दन में तुम देख सकते हो वो एक कुछ ना ऐसे रस्सी टाइप का तो कुछ तो एक बंधा हुआ है नियॉन ग्रीन कलर का जो इसको स्कोर नो काफी और ज्यादा प्यारा लुक दे रहा है और ये काफी क्यूट सा खेल रहा है देखो ओले 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 बावाले बट कोई ना उस सबको साइड में हटा के फिर मुझे इन सबको छोड़ के जाना पड़ा बस में और बस ने ना कुछ अराउंड दो घंटे से ऊपर ही टाइम लिया मुझे जहाँ पे उतरना था उस जगह पे पहुँचने के लिए सो बट ठीक है लाइक यू नो थोड़े टाइम के बाद मैं पहुँच गया था जहाँ पे मुझे पहुँचना था जो कि था भुवनेश्वर और वहाँ से एक्चुअली बेसिकली मेरा जो ट्रेन है वहाँ से आने वाला था तो पापा का जो एक दोस्त है उन्होंने मुझे ट्रेन पर बैठाया ये वाला हमारा ट्रेन है सो so, ट्रेन पे उठने के बाद मैंने स्टार्ट किया हमारा मेरा पेट पूजा सॉरी <laughs> क्योंकि पेट पूजा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो उसके बाद ट्रेन में हम बहुत देर तक बैठे रहे दुखी आत्मा बन के एंड गाने वगैरह सुन रहा था काफ़ी नॉस्टल फील आ रहा था एंड तो उसके बाद है ना हम उतरे हमारे जहाँ पे लाइक जो स्टेशन पर हमें उतरना था हावड़ा स्टेशन तो वहाँ से उतरने के बाद मैं मेरे लिए एक बस लाइक ढूंढ रहा था जो कि मुझे काफ़ी लेट से मिला बस बट फाइनली एटलीस्ट मिला वहाँ से दिन मैं रैपिड होकर के घर आया And finally, घर पहुंचने के बाद मुझे काफी ज्यादा इससे अच्छा फील आ रहा था मतलब एक सा फील आ रहा था और यहाँ पे तुम अभी मेरे मम्मी को देखोगे रुक जाओ थोड़ा चलो तब तक थोड़ा काउंटिंग करते हैं थ्री टू वन थ्री टू वन अरे निकलो मम्मी हाँ ये देखो ये देखो निकल गई ये और वो देखो वहाँ पे रहा मेरा दीदी पीछे क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा एंड फिर यहाँ पे बहुत मज़ा आया घर आने के बाद मुझे लगा कि हाँ फाइनली चलो कुछ अच्छा हुआ एंड ये सुबह का है कि मैं सुबह उठ के ना थोड़ा ऐसे मम्मी ने बनाया था रोल मेरे लिए और यहाँ पे मैंने ये लाया था जिसको छोटा बेल बोला जाता है जो कि मैंने अचार बनाने के लिए लाया था एंड जो कि अचार बना भी है और ये रहा हमारा प्यारा प्यारा कुकी जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था टू तो बी ऑनेस्ट और ये आने के बाद ना मेरे को भाव भी नहीं दे रहा था सही से मतलब इसको कुछ लगा ही नहीं अरे भाई तू गया अच्छा है मतलब इसको तो बड़ा खुशी था कि मैं चला गया अच्छा है पता नहीं ये मतलब इसको तो छोड़ ही दो ये इधर उधर ही मुंह मारते रहेगा मेरे पास तो कभी नहीं आता मैं इसको इतना बुलाता हूं लेकिन अभी इधर उधर किसी ने बुला दिया तो ये मुंह मारने के लिए वहां पे चला जाएगा एंड इसको कुकी नाम देने ना, मुझे शर्म आ रहा था बिकॉज सच बताओ तो इस, इस पे बिल्कुल भी यू नो नहीं जचता ये नाम ये बिल्कुल भी मतलब मतलब क्या बोले भाई यू नो ऐसे कुकी नाम बहुत प्यारा है इसमें बिल्कुल सूट नहीं करता ये नाम ये बिल्कुल ही पागल सा कुत्ता है तो बट इसको हम अभी लेके जाएंगे छत पर चलो आए 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 तो एनी देखो ये अभी ना छत पे जाने के लिए बिल्कुल पागल होकर रखा है बस मुझे गेट खोलने का देरी होता है अब देखो अभी अंदर बिल्कुल शांत होकर जा रहा है ना अब देखना तुम क्या करेगा श्योर sure कुछ तो हाँ, देखो देखो इसको छत पे आने की पता नहीं क्या चुल मछी रहती है मतलब इसको छत मिला नहीं कि ये दौड़ने भागने लगता है और यहाँ पे आने के बाद देखो कुछ तो कुछ तो कांट करेगा हम sure। श्योर बस देखते जाओ हम्म 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 जितना भोला लो लो कोई ना इसका तो कांड चलता ही रहेगा एंड होपफुली कि तुम्हें ये व्लॉग थोड़ा बहुत पसंद आया होगा बिकॉज ये काफ़ी ज्यादा अजीब व्लॉग था एंड चलो बाबा बाय एंड टेक केयर लव यू ऑल